हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी। तारीख है 18 फरवरी और क्लास है हमारी मॉर्निंग करंट अफेयर की। देखते हैं आज क्या क्या बढ़िया और चटपटी खबरें आज अपने पास। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का दिन और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मेरे पास जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरी वन। अंजलि राठौर, कुलजिंदर, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी मेरे साथ हैं इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल जिसका नाम है वाईफाई स्टडी यूपीएससी। तारीख है अजय, पुष्पेंद्र, नाथ, सोनम, तौफीक, राजवीर, आकांक्षा, सभी का स्वागत है। रुद्र त्रिपाठी, सभी का स्वागत है यार इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। आज की क्लास के साथ मैं शुरू इसको कर रहा हूँ। देखो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपको, ये अभी वाईफाई की टीम जो है एक नया चैनल लॉन्च करने वाली है दोस्त एस्पिरेंट हु वांट्स टू प्रिपेयर फॉर द नेट। सो उनके लिए जो है वो 20 फरवरी 2020 को 12 PM दोपहर के 12 बजे नया चैनल जो है वो लॉन्च कर रही है। सो अनअकैडमी की टीम जो है ये लॉन्च कर रही है नया फॉर नेट, एक्सक्लूसिवली फॉर द नेट, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो। चलिए आज की पहली जो खबर है दोस्तों, ताज़ा खबर एकदम हेडलाइन जो है, दैट इज़ अ परमानेंट कमीशन फॉर द वुमेन। वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए आर्मी के अंदर परमानेंट कमीशन की जो बात है, सुप्रीम कोर्ट ने वो ऑर्डर दे दिया है कि महिलाओं के लिए भी परमानेंट कमीशन इन आर्मी होना चाहिए। अभी तक जो था परमानेंट कमीशन नहीं था, महिलाएं जो थी वो SSC बेसिस पर, शॉर्ट सर्विस कमीशन के बेसिस पर काम करती थी। अभी SSC क्या है, है ना, परमानेंट कमीशन क्या है, लेट्स डिस्कस। आज यही तो है काम और क्या है, ये देखेंगे। तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, देखो सरकार बहुत टाइम से ये इनिशिएटिव कर रही थी, मतलब ये पहल कर रही थी कि महिलाएं जो है उनकी भागीदारी हर फील्ड में बढ़ाई जा सके। हर फील्ड का मतलब आर्मी के अंदर भी महिलाओं की भागीदारी, हिस्सेदारी को बढ़ाया जा सके। सरकार ऐसी कोशिश कर रही थी, प्रयास कर रही थी, लेकिन सरकार जो थी थोड़ा सा, अगर मैं बात करूं तो वो चाहती भी थी कि महिलाओं को आगे लेके आया जाए डिफेंस फोर्सेज में, आर्म्ड फोर्सेज के अंदर, लेकिन वो जो मेल स्टीरियोटाइप था अभी भी वो मेंटेन्ड था। मतलब क्या था, कुछ ऐसी ड्रॉबैक्स थी जो महिलाओं के अगेंस्ट में काम कर रही थी और सरकार जो थी वो नहीं चाहती थी कि जो एक ये परमानेंट कमीशन एस्टैब्लिश किया जाए वुमेंस के लिए। सबसे पहले तो परमानेंट कमीशन में आपको समझाऊंगा दो तरीके की चीज़ें होती हैं। वुमेंस, महिलाओं की एंट्री दो तरीकों से हो सकती है। पहला, ऑन द शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC, दिस इज नॉट स्टाफ सेलेक्शन कमीशन, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन SSC। और दूसरा क्या होता है दोस्तों, दैट इज परमानेंट कमीशन। दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी तक महिलाएं जो थी वो SSC शॉर्ट सर्विस कमीशन के आधार पर 10 स्ट्रीम थी आर्मी की, 10 स्ट्रीम थी जो नॉन कॉम्बैट स्ट्रीम थी, उनके अंदर में महिलाएं अपनी हिस्सेदारी के, नॉन कॉम्बैट मतलब जिसमें लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है ना, तो 10 ऐसी स्ट्रीम थी आर्मी की जिसके अंदर महिलाएं अपनी हिस्सेदारी जो है वो प्रदान कर रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया और सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस ऑर्डर को 3 महीने के अंदर तुम्हें इंप्लीमेंट करना है। सरकार को बोल दिया है कि आपको 3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट करना है। और जो मेल स्टीरियोटाइप जो भारतीय समाज में, उसके मुंह पे एक बढ़िया तमाचा, एक थप्पड़ उन्होंने मारा है। तो सरकार का एक नोट था, सरकार ने एक नोट सबमिशन किया था आज से 3 साल पहले। हाई कोर्ट जो है, 3 साल आई थिंक, पता नहीं 3 है 3 है और 10 ईयर पहले, हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि महिलाओं को परमानेंट कमीशन के अंडर में इंक्लूड करके आर्मी में उनको कैरियर बेस्ड जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए। तो सुप्रीम, दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सरकार ने अपील की थी, कहा सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने उस अपील को खारिज करते हुए सीधा सीधा बोला है कि भाई यस, देर शुड बी अ परमानेंट कमीशन फॉर द वुमेन विदिन 3 मंथ। ये सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि मेरा जो ऑर्डर है इसको 3 महीने के अंदर आपको इंप्लीमेंट कर देना है, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दी जाएगी। और सरकार ने एक नोट भी दिया था, सरकार ने बताया था कि क्यों महिलाओं को वो परमानेंट कमीशन के अंडर में नहीं लाना चाहता। तो उन्होंने बताया था कि बहुत सारी ड्रॉबैक हैं, जो महिलाएं हैं वो साइकोलॉजिकली फिजिकली उतनी स्ट्रांग नहीं हैं, बहुत सारी उनको और भी प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे उनको बहुत ज़्यादा छुट्टियां लेनी पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें थी जो महिलाओं के अगेंस्ट में थी, बट फिर भी जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी, उन्होंने साफ साफ कर दिया है कि ये सारी जो चीज़ें हैं ये ऐसा कुछ भी नहीं है, है ना। तो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी से अब हम जो है इक्वालिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्होंने बोला है जो महिलाएं देश की सेवा के लिए आगे आई हैं तो उनको जो परमानेंट कमीशन के अंडर में रख के कैरियर सर्विस जो है उनको प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। अब मैं पूरी बात तो मैंने आपको समझा दी है कहानी, थोड़ा सा मैं आगे ले चलता हूं। तो सवाल तो यही है, कॉन्टेक्स्ट तो यही है। द सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे डिसमिस द यूनियन गवर्नमेंट सबमिशन दैट वुमेन आर फिजियोलॉजिकली
weaker than the men as a sex stereotype and declared the short service commission women officer are eligible for permanent commission command post in the army irrespective of the year of services. बात आई समझ में आपको कि इन्होंने बोला है कि जो महिलाएं short service commission SSC के अंडर में जो women officer थी जो काम कर रही थी अब वो permanent commission के अंडर में command post के लिए वो उन जो है वो eligible है भले ही उनकी कोई भी उम्र हो कोई दिक्कत नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार की उन दलीलों को खारिज कर दिया है कि महिलाएं शारीरिक रूप से पुरुष की तुलना में सेक्स स्टीरियोटाइप के रूप में कमजोर होती हैं और एक घोषणा की जाती है कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन महिला अधिकारी सेना में स्थायी कमीशन और कमांड पदों के लिए पात्र है भले ही उनकी उम्र कितनी भी है उनको सेवाएं जो है वो देनी पड़ेगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो मेरा वर्डिक्ट है ये 3 महीने के अंदर इंप्लीमेंट होना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर द गवर्नमेंट टू इंप्लीमेंट से जजमेंट इन द 3 ईयर 3 महीने के अंदर ये जो है फैसला ये लागू होना चाहिए. The verdict came so nearly 10-year-old appeal filed by the government against the March 12, 2010 decision of Delhi High Court to grant the SSC Women Officer Permanent Commission. परमानेंट कमीशन ठीक है ये क्या कह रहा है दोस्तों कि एसएससी जो है महिला अधिकारी को स्थायी कमीशन देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय के 12 मार्च 2020 के फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा दायर लगभग 10 वर्षीय अपील पर यह फैसला है. 10 वर्ष की अपील होगी लगभग. सरकार ने कब अपील की थी दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था कब अपना 12 मार्च 2020 को और इस जजमेंट के बाद में लगभग 10 ईयर बाद 10 साल बाद अब 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला आया है कि हाँ एसएससी के अंडर में जो महिला है शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर में जो महिलाएं हैं उनको परमानेंट कमीशन के अंडर में कमांड पोस्ट जो है वो मिलनी चाहिए. बात आ रही समझ को समझ में आ रही है अगर समझ में आ रही है तो जल्दी से भाई थम्स अप दिखाओ नहीं आ रही तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि समझ में नहीं आ रहा. चलिए अब बात क्या करते हैं दोस्तों अपन बात करते हैं देयर आर टाइप ऑफ एंट्री इन द आर्म्ड फोर्स ऑफ द वुमेन. महिलाओं के लिए कितने प्रकार से जो आर्म्ड फोर्स है ना इसके अंदर एंट्री हो सकती है ठीक है वो बात कर लेते हैं एक बार. तो सबसे पहला होता है दोस्तों शॉर्ट सर्विस कमीशन लघु सेवा आयोग है ना ये एसएससी नहीं है. लघु सेवा आयोग क्या कहता है दिस प्रोविजन प्रोवाइड एन ऑप्शन ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी एंड सर्विंग एज अ कमीशनड ऑफिसर फॉर 10 to 14 year at the age at the end of the 10 year the officer has following option. देखो short service commission के अंदर में क्या होता है महिलाएं जो होती हैं वो 10 से 14 साल तक army जो है वो join कर सकती है as a commissioned officer ठीक है. 10 साल के बाद में उनके पास दो ऑप्शन होते हैं जिनका वो उपयोग कर सकती हैं. पहला क्या है या तो वो छोड़ सकती हैं या आइदर दे कैन गो फॉर द परमानेंट कमीशन या तो वो स्थायी आयोग के लिए जा सकती हैं और दूसरा opt out और हैव द ऑप्शन ऑफ द 4 ईयर एक्सटेंशन. या क्या ऑप्शन है या तो परमानेंट कमीशन के लिए जाए या दूसरी चीज क्या है दोस्तों दे कैन ऑप्ट या तो रिजाइन कर सकती हैं उससे या बोल सकती हैं कि मैं 4 साल और इस सर्विस को एक्सटेंड करना चाहती हूं. और अगर वो 4 साल सर्विस को एक्सटेंड करती है उस 4 साल के दौरान कभी भी किसी भी समय वो रेजिग्नेशन जो है वो दे सकती हैं 4 साल के अंदर. ऑप्ट आउट करें या 4 साल का एक्सटेंशन का विकल्प रखें वे 4 साल में विस्तार के दौरान किसी भी समय जो है इस्तीफा दे सकती हैं. बात समझ में आई. शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंडर में क्या होगा दोस्तों कमीशन ऑफिसर जो है उनको आर्मी ज्वाइन कराई जाती है फॉर 10 to 14 ईयर महिला है ना 10 से 14 साल तक के लिए उनको आर्मी ज्वाइन कराई जाती है. उनके पास ऑप्शन होता है 10 साल के बाद में या तो परमानेंट कमीशन ऑप्ट करे या फिर वो क्या कर सकती हैं 4 साल का एक्सटेंशन ले सकती हैं छोड़ भी सकती हैं है ना 10 साल हो गए छोड़ दो भैया या फिर 4 साल का एक्सटेंशन ले लिया और उस 4 साल में जब मन करे वो रिजाइन दे सकती हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है. ये हमारा जो है यहाँ पर वो सिस्टम है आपको समझ में आ गया होगा क्या मैं बात कर रहा हूँ आपसे है ना. आगे बढ़ते हैं दोस्तों ये तो था परमानेंट अब ये तो था स्थाई और परमानेंट क्या है दोस्तों इट मीन्स अ कैरियर इन द आर्मी. परमानेंट का मतलब एकदम परमानेंट है ये ठेकेदारी नहीं है भैया यहाँ परमानेंट आर्मी के अंदर एक कैरियर के रूप में रेजिमेंट कैरियर के रूप में जाए और आए कब वापिस जब रिटायरमेंट होता है जब एक रिटायरमेंट की एज हो जाए तो तब वापिस आए तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट कमीशन. सो इट मीन्स अ करियर इन द आर्मी टिल द रिटायरमेंट एज ठीक है कि रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में इसका मतलब ये होता है कि रिटायरमेंट की एज तक रहे. फॉर परमानेंट कमीशन द एंट्री इज थ्रू द नेशनल डिफेंस एकेडमी. भाई अगर परमानेंट कमीशन में आपको जाना है तो उसकी एंट्री कहाँ से होती है एनडीए से नेशनल डिफेंस एकेडमी जो 12th के बाद एग्जाम होता है आपको पता होगा.
पुणे और इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, भारतीय मिलिट्री एकेडमी जो है देहरादून, उनके द्वारा इन ऑफिसर को की चुनती चुना जाता है। रिटायरमेंट की उम्र तक सेना में इसका मतलब होता है स्थायी कमीशन का। स्थायी आयोग के लिए प्रवेश राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सेना अकादमी देहरादून अधिकारी प्राधिकरण अकादमी गया के माध्यम से होता है। तीन अकादमी है जहां से परमानेंट कमीशन के लिए सिलेक्शन जो है वो होता है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू यू। समझ में आ रहा है आपको या नहीं आ रहा तो जल्दी से दोस्तों मेरे को एक बार आप बताओगे दिस थिंग इज क्लियर टू यू और नॉट, है ना। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब क्या है? थोड़े समय के लिए, 10 से 14 साल। 10 साल खत्म हो गया, आप ऑप्ट कर सकते हो क्या छोड़ना, आप बोल सकते हो मैं नहीं कर रहा भाई, छोड़ रहा हूँ, या आप क्या कर सकते हैं 4 साल का एक्सटेंशन ले सकते हैं और उस 4 साल में आप कभी भी जो है छोड़ सकते हैं। परमानेंट कमीशन का मतलब दूसरी ओर कुछ हो रहा है दोस्तों। परमानेंट कमीशन का मतलब क्या है? इन परमानेंट कमीशन आप जो है वो करियर ऑप्शन के लिए जाएंगे, आप जाएंगे और फिर आप रिटायर कब होगे, रिटायर होगे आप जब आपकी एज हो जाएगी रिटायरमेंट की, है ना, बस तब ही आप आएंगे, उसको हम बोलते हैं परमानेंट कमीशन। थिंग्स आर क्लियर टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो ये है वुमेन इन द कमांड पोस्ट, है ना। ये पूरा का पूरा चिट्ठा दिया गया है कि कब कब क्या क्या हुआ, कब सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, कब क्या हुआ, क्या फैसला आया, पूरी बात जो है इसके अंदर बताई गई है। अगर आपको क्रोनोलॉजी पढ़ने में आप इंटरेस्टेड हो तो ये देख सकते हो कब कब ये मामला चला, कब कब ये फैसला हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो ये पूरी बात है 1992, फिर दिसंबर 1996, नवंबर 2005, उसके बाद 2003 से 2006, उसके बाद मार्च 2010 दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला, सितंबर 2011 केस रीचेज टू द सुप्रीम कोर्ट इन द अपील, और अब फैसला आया लगभग 10 साल के बाद में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। तो ये तो है हिस्ट्री। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो विद दिस हिस्ट्री, आप इसको पढ़ सकते हैं, स्पेशली महिलाएं जो इसके अंदर इंटरेस्टेड हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, फॉर्म फिल कर दूं क्या? हाँ आनंद, बिल्कुल आनंद रोनू, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं सो यू कैन ऑब्वियसली यू हैव टू फिल द फॉर्म। इंडियाज बर्ड डाइवर्सिटी, भारत में जो बर्ड की डाइवर्सिटी है यार, एक रिपोर्ट आई है अभी अभी जिससे पता चल रहा है भारत में जो ये चिड़िया की संख्या है ना, बर्ड जो पक्षी है ना, इनकी संख्या लगातार जो है दोस्तों वो क्या हो रही है आपका डिक्रीज हो रही है। ये देख रहे हो चिड़िया है ना, ये नॉर्मल स्पैरो है, कॉमन स्पैरो है, अपने को बहुत देखने को मिलती थी यार, लेकिन आजकल जो है ये गायब हो गई, लगभग बहुत कम देखने को मिलती है, कहाँ देखने को मिलती है। तो भारत के ऊपर जो बर्ड डाइवर्सिटी है ना उसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो आई है, बहुत सारे लगभग 10 संस्थान जिन्होंने मिलकर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है, क्या क्या बातें उसमें बताई है जस्ट वो अपने को डिस्कस करनी है। बात समझ में आ रही है? देखो पहली न्यूज थी हमारी शॉर्ट सर्विस कमीशन, परमानेंट सर्विस कमीशन ऑफ वुमेन इन द आर्मी, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्ट थोड़े टाइम के लिए, परमानेंट एज अ कैरियर जिसमें आप रिटायरमेंट की एज में आओ। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि इस फैसले को 3 महीने में इंप्लीमेंट करो, वुमेन्स को परमानेंट कमीशन के बेसिस पे कमांड पोस्ट के अंदर आप भर्ती करो, है ना, मतलब रिटायरमेंट तक उनको रहने दो, जब तक उनकी रिटायरमेंट की एज ना जाए तब तक आप उनको क्या करो आर्मी के अंदर भर्ती रखो। दूसरा जो है ये द हिंदू सी न्यूज ली है मैंने, इंडियाज बर्ड डाइवर्सिटी, भारत में जो पक्षियों की संख्या है वो किस प्रकार से लगातार घट रही है। ये कॉमन स्पैरो यार बहुत देखने को मिलती थी लेकिन आजकल जो है लगभग जो है ये गायब हो रही है और इसके बहुत सारे दिक्कत है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्या इसके साथ है वो सारी चीजें वो डिस्कस करते हैं। सो कॉन्टेक्स्ट देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड 2020 असेसमेंट रिपोर्ट जॉइंटली रिलीज्ड बाय 10 ऑर्गेनाइजेशन ओवर अ फिफ्थ ऑफ इंडियाज बर्ड डाइवर्सिटी रेंजिंग फ्रॉम द शॉर्ट टॉड स्नेक ईगल टू द स्ट्रीकर मलकोआ हैज सफर्ड स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म डिक्लाइन ओवर अ 25-year पीरियड। देखो यह क्या बोला है यार, एक सर्वे आया है जिसका नाम है भारतीय स्टेटस बर्ड्स, ठीक है, इंडिया स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड, भारत की जो बर्ड हैं पक्षी हैं उसकी क्या स्थिति है। उसमें बताया गया है यार कि भारत की जो लगभग फिफ्थ 1/5 जो पॉपुलेशन है ना भारत की, 1/5 जो पक्षियों की जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या जो है उनको लॉस हो रहा है, है ना। अगर लॉन्ग टर्म ईयर में देखें हम, यानी कि 25 साल में अगर उनका डिक्लाइन देखें तो बहुत ज़्यादा उनका डिक्लाइन जो है, उनकी संख्या में गिरावट यहाँ पर देखी गई है। आई होप थिंग्स आर क्लियर टू, समझ रहे हैं आप बात को। डिटेल में चलते हैं दोस्तों। फॉर एवरी बर्ड स्पीसीज दैट वर फाउंड टू बी इंक्रीजिंग इन द नंबर ओवर द लॉन्ग टर्म, 11 हैव सफर्ड द लॉसेज सम कैटास्ट्रॉफिकली।
डिटेल में क्या बताया आपको कि जितनी भी बर्ड स्पीसीज है, सारी की सारी जो बर्ड स्पीसीज हैं दैट वाज फाउंड टू बी इंक्रीजिंग इन नंबर, जिनका नंबर बहुत ज़्यादा होता था, ऐसी पक्षी जिनका नंबर, जिनकी संख्या कभी किसी समय बहुत ज़्यादा होती थी, उनकी संख्या में ज़बरदस्त गिरावट आई है और कईयों में तो बहुत ही कैटास्ट्रॉफिक गिरावट आई है। प्रत्येक पक्षी प्रजाति के लिए जो लंबे समय से अधिक संख्या में बढ़ते पाए गए थे, 11 को बहुत नुकसान हुआ और कुछ को तो बहुत विनाशकारी नुकसान हुआ। जितने भी पक्षियां भारत में पाए जाते थे दोस्तों, जो बहुत ज्यादा संख्या में, ऐसे नहीं कि जो कमी संख्या में पक्षी पाए जाने, वो पक्षी जो भारत में बहुत ज्यादा संख्या में पाए जाते थे, अगर हम उनमें देखें तो 11 पक्षी ऐसे हैं जिनकी संख्या में बहुत बड़ी गिरावट आई है और कुछ की तो संख्या मतलब एकदम कैटास्ट्रॉफिकली डिक्रीज हुई है, भयानक रूप से उनकी संख्या जो है वो गिरावट आई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्या है अपने पास, 101 स्पीसीज अब कैटेगराइज एज बीइंग हाई कंजर्वेशन कंसर्न्स वर कंफर्म्ड एज सफरिंग करंट डिक्लाइन। देखो यार, ऐसा कम नहीं है, भारत के अंदर में लगभग 101 स्पीसीज हैं, 101 प्रजाति हैं पक्षियों की जो बहुत, जिनको हाई कंजर्वेशन कंसर्न थे, जिनके आपके संरक्षण के लिए बहुत ही ज़्यादा फर्म इफेक्ट जो है, मतलब एफर्ट जो है वो आपके लगाए जा रहे थे, तो उनकी संख्या में बहुत ज़्यादा गिरावट आ रही है। एंड ऑल एक्सेप्ट 13 आर रिस्ट्रिक्टेड और द हाईली रिस्ट्रिक्टेड रेंज इंडिकेटिंग ग्रेटर वल्नरेबिलिटी टू द मैनमेड थ्रेट। हिंदी में देखते हैं, उच्च संरक्षण चिंता के रूप में वर्गीकृत 101 प्रजातियों में से मौजूदा गिरावट को पीड़ितों के रूप में पुष्टि की गई है और 13 को छोड़कर सभी एक प्रतिबिंब। देखो, 101 स्पीसीज जो है ना, ये ऐसी स्पीसीज है जिनकी संख्या में बहुत ज्यादा गिरावट आई है और इन स्पीसीज जो है, ये 101 बर्ड की जो प्रजातियां हैं, इनको हमने बहुत अच्छे संरक्षण लेवल के ऊपर रखा है। 13 को छोड़ दो, 101 में से सिर्फ 13 प्रजातियों को छोड़ दो, बाकी सारी की सारी जो है वो मैन मेड थ्रेट, मतलब आदमियों के द्वारा उत्पन्न की गए जो खतरे हैं उनसे प्रभावित है। देखो, आदमी जो है ना, हर चीज इससे प्रभावित है। ऐसी एक चीज बता दो जिसमें आदमी से जिससे प्रभाव ना हो पड़ा हो, है ना, हर चीज में, पूरे इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी के लिए आदमी जो है खतरा है। एक बात मैंने मतलब पढ़ी थी कहीं पे, अगर तितली चली जाए या भंवरे चले जाए तो ये जो फूड प्रोडक्शन होता है ना, ये बंद हो जाएगा। तितली अगर लुप्त हो जाएगी, फूड प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर ह्यूमन, आदमी लुप्त हो जाए ना, तो ये पूरी दुनिया जो है ये सुखी हो जाएगी। अगर आदमी लुप्त हो जाए तो पूरा जो अर्थ है, इट विल बी अगेन फ्लरिश्ड विद द लाइव्स, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द कॉमन स्पैरो लॉन्ग बीन डिक्लाइनिंग इन द अर्बन एरिया। जो अभी मैंने चित्र में दिखाई थी ना, फोटो दिखाया था, उसका नाम है कॉमन स्पैरो। तो ये जो कॉमन स्पैरो जो हमने देखी थी यार, इसकी संख्या जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो रही है, डिक्लाइन पर है ये। रूरल एरिया के अंदर तो फिर भी, मतलब गाँव के इलाकों में तो फिर भी देखने को मिल जाती है, बट जो शहरी इलाके हैं वहाँ नहीं मिलती। जो सिटीज़ हैं हमारी, दिल्ली, चेन्नई, जो अर्बन एरिया है, वहाँ पर तो लगभग ये बहुत गायब ही हो गई है, है ना। क्यों गायब हो गई है वो भी बताऊँगा। ये जो सर्वे बनाया गया है ना, ऐसे स्टेट ऑफ इंडियन birds was produced using a base of 8867 species. 867 प्रजातियों को हमने एनालाइज किया है और उसके आधार पर हमने ये स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड जो है ये बनाया है। इसके लिए जो डेटा हमने कहां से लिया है कि एक ई बर्ड, एक विश्लेषण है, ई बर्ड साइट थी जिनके ऊपर जो अलग अलग शोधकर्ता जो है, अलग अलग बर्ड रिसर्चर जो है, वो अपनी अपनी बातें यहां पर रखते थे, अपनी अपने डेटा यहां करते थे। तो उस ई बर्ड वेबसाइट के द्वारा 837 प्रजातियों को, 867 प्रजातियों को, मतलब जो डेटा है उनका कंपाइलेशन करके ना ये रिपोर्ट जो है वो प्रकाशित की गई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, व्हाट आर द थ्रेट्स सर, कि पक्षियों को ऐसी कौन सी दिक्कत हो रही है कि ये इतने लुप्त हो रहे हैं, क्या दिक्कत हो रही है भाई इतने, तो हमें भी दिक्कत नहीं हो रही, तो मैं बता देता हूं। व्हाट आर द मेन थ्रेट्स, क्या क्या थ्रेट्स हैं। देखो, दीज बर्ड्स फेस अ ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम द लॉस ऑफ द हैबिटेट। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना, ये जो उनका घर है, मकान है ना, वो निवास स्थान को आपने नष्ट कर दिया। ये कहां रहती थी, जंगलों में, पेड़ों के अंदर, घोंसले कहां बनते थे, कभी घोंसला आपने देखा है मार्बल की फर्श पे या बहुत अच्छी जगह पे बनाया हो। भाई, पक्षी अगर घोंसले बनाए तो वो कैसी जगह बनाएंगे जहां ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम हो, है ना, छुपा के बनाते। अब वो छुपाने वाली सारी जगह जो है वो अपन ने लगभग डिस्ट्रॉय कर दी है। पेड़ को हम काटते जा रहे हैं, जंगल वाले जीव जो हैं वो अर्बन एरिया में आ रहे हैं। ये शेर, चीता, ये कहां रहते थे, जंगलों में। लेकिन आज देख लो, हाथी और ह्यूमन, मैन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट कितना बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि जहां ये रहते थे वो तो आपने काट दिया। भाई, बंदर का आप देखने को मिलता है। बंदर क्या करते हैं आजकल, तो जो मुर्गी को दाना डाला जाता है ना, वो दाना भी खा जाता है और मुर्गी को फाड़ देते हैं उसके चक्कर में। अभी कल भी रिपोर्ट आई थी, है ना, कल फ्रंट पेज पे था द हिंदू की, बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने नहीं बताया आपको। बंदर जो है वो, आप दाना डाला मुर्गी को
तो उसका दाना भी खा जाएंगे और मुर्गी दिक्कत करेगी तो उसको उखाड़ देते थे, मतलब फपेट देते थे, मतलब मुर्गी को ही लपेट के कहते आज तेरा मैं ही चिकन बनाता हूँ। ये बंदरों की हरकत है, है ना। तो ये इसको कंप्लेंट भी की गई थी ताकि बंदरों को हटाया जाए, बंदरों को मारा जाए, बंदरों को शूट कर दिया जाए। अब करें क्या यार, देखो हमने बायोडाइवर्सिटी को लॉस कर दिया, हम लगातार पेड़ काट रहे हैं, हम लगातार जंगल काट रहे हैं, फॉरेस्ट क्लियर कर रहे हैं, तो इनका जो निवास है, जो इनका हैबिटेट है ना, वो तो हमने ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है। अब ये कहाँ आएंगे यार, ये अर्बन एरिया में आएंगे, ये जो ह्यूमन सेटलमेंट है उनको इनको, ये अब तुमने इनका एरिया काटा तो अब ये तुम्हारे में आएंगे, दिक्कत क्या हो रही है, है ना। तो ये दिक्कत है दोस्तों। अगली बात है दोस्तों, इनका हैबिटेट मतलब निवास स्थल को आपने नुकसान पहुंचाया। दूसरा यार, बहुत सारे जहर हम बना रहे हैं यार, बहुत सारे टॉक्सिन्स हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा, बहुत सारे एफ्लुएंट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, उनको अनट्रीटेड हम सीवेज में डिस्चार्ज कर देते हैं, उनकी वजह से भी ये जो है इनका हैबिटेट जो है काफ़ी लॉस इनको हो रहा है। पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं, है ना, जो हम वो छिड़कते हैं, दवाइयाँ छिड़क देते हैं खेतों के अंदर, हर्बिसाइड वीडिसाइड्स, तो उनके अंदर फिर ये जो कीड़े मकोड़े होते हैं जब इनको ये खाती हैं तो उनके अंदर से वो पेस्टिसाइड्स, जो हर्बिसाइड्स या जो जहर है, टॉक्सिन्स जो है वो इन बर्ड्स में चला जाता है और लीवर फेलियर एंड दैट कैन कॉज मतलब डेथ। आपने केस सुना था डाइक्लोफिनेक, डाइक्लोफिनेक जो है तो होती है एक टैबलेट होती है जो एंटी इंफ्लेमेटरी होती है, मतलब दर्द को कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती है ह्यूमंस के द्वारा। अब इस डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल पशुओं में भी किया जाता है, जैसे किसी पशु को पेट में दर्द हो, भैंस को पेट में दर्द हो, है ना, तो उसको वो दवाई लगा दी जाए, डाइक्लोफिनेक दे दिया जाता था। अब वो जब वो पशु मर बच गया तो ठीक है, अब वो जो पशु मर जाता था ना, है ना, तो उसको फेंक देते थे हम ऐसे ही ओपन एरिया में, ओपन साइट पे डंप कर देते थे, तो जितने भी वल्चर्स हैं, ये जो चील है, कौवे हैं, ये उसके ऊपर जो आके उसको खाते थे ना, जो मांस खाते थे, जो मीट वगैरह खाते थे, वो सारे के सारे बेचारे क्या होते थे, अब जो डाइक्लोफिनेक है उनके अंदर होता था क्योंकि वो मरा है तो उसमें ट्रीटमेंट चला था, उसके अंदर डाइक्लोफिनेक होता था। अब वो सपोज किसी चील बाज ऐसे या कौवे किसी पक्षी ने उसको खा लिया, अगर ईट कर लिया, उसका लीवर जो है वो फेल हो जाता था, अब बेचारे कौओं का लीवर ट्रांसप्लांट भी नहीं हो सकता, है ना। तो वो डाइक्लोफिनेक से बहुत सारे पक्षियों की मौत हुई थी, स्पेशली जो हमारे प्रेडेटर्स हैं, ये जो बाज वाज होते हैं ना, ये इनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो डाइक्लोफिनेक का इशू जो है वो बहुत प्रोमिनेंट इशू है। तो हो यही रहा है दोस्तों, हमने टॉक्सिन्स को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है, भाई मेडिकल साइंस के अंदर जो हम ट्रीटमेंट करते हैं पशुओं का भी, उनसे भी जो टॉक्सिन्स है वो बढ़ रहे हैं आपके, हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं, उसके अलावा हम हंटिंग करते हैं, ट्रैप इनको पकड़ लेते हैं भाई पालतू जानवर बनाने के लिए ना, इनको हम पकड़ के रखते हैं, तो जब आप पालतू बना के रखोगे, पकड़ के रखोगे, तो इनका जो रिप्रोडक्शन लेवल है वो भी अफेक्ट होता है, वो इतना रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते और उनकी जो संख्या है वो डिक्रीज हो जाती है। ये कॉमन चीज़ है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। अब ये चिड़िया जो है खाती क्या है, देखो आजकल ठीक है, जो जिन्होंने कुछ किसको पाल रखा है, कोई कबूतर पालने का शौक है, किसी को कुछ है, तो जो पालते हैं वो दाना डाल देते हैं, लेकिन सोचो जो वाइल्ड में रहती थी, जंगलों में जो चिड़िया रहती थी, ये क्या खाती होंगी दोस्तों? ये खाती थी वो कीड़े मकोड़े, जो इंसेक्ट्स होते हैं। आपने इंसेक्ट्स की भी संख्या कम कर दी है ना, हम खेतों में दवाई डाल देते हैं तो इंसेक्ट्स है नहीं। मेरे को याद है जब हम छोटे थे तो जब खेत की जुताई होती थी ना ऐसे, तो कितनी सारी ढेर सारे जो ये जो पक्षी हैं, ये उसके जो खेत जोतने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं उसके पीछे घूमा भागा करते हैं, है ना, और वो निकाल निकाल के खाया करते हैं। आज हार्डली हमें वो देखने को मिलते हैं, क्यों? क्योंकि हमने इतना सारा पेस्टिसाइड्स खेतों में इस्तेमाल कर दिया। पेस्टिसाइड्स क्या होता है? जहर ही तो होता है, तो उनसे इनकी पॉपुलेशन धीरे धीरे जो है अब दोस्तों क्या हो रही है, खत्म हो रही है। हाँ, आजकल एक पिक्चर भी बनी है, आप लोग जानते हो, है ना, रजनीकांत और अक्षय कुमार की बहुत तगड़ी पिक्चर है, आप सभी लोग मेरे हिसाब से जानते भी हो उसके बारे में, मेरे को तो नाम याद नहीं आ रहा उसका, रोबोट, रोबोट वन थी या टू थी, रोबोट 2.0, है ना, रीलोडेड, चिट्टी रीलोडेड, वो इसी पे तो बनी थी। वो पक्षियों को मर रहे थे किससे, आपका जो ये मोबाइल से रेज निकल रही थी, लेकिन कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है इसका कि हाँ पक्षियों की मृत्यु जो है इसके ऊपर कोई साइंटिफिक लिटरेचर अपने पास टेक्स्ट उपस्थित नहीं है कि जो हमारे टावर हैं, ये जो वायरलेस सिग्नल हम भेजते हैं या माइक्रोवेव सिग्नल जो ट्रांसमिट किए जाते हैं, इनसे भी इन पक्षियों की मृत्यु हो रही है। वी डोंट हैव एनी साइंटिफिक टेक्स्ट ऑन दैट, हमारे पास उसमें अभी कोई सबूत नहीं है, लेकिन हाँ हैबिटेट लॉस किया हमने, इनका निवास स्थल जो है उनको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया है, हमने बहुत सारे विषाक्त पदार्थ प्रोड्यूस किए हैं जिनसे इनकी मृत्यु हो रही है, हम इनका शिकार कर रहे हैं और पालतू बनाने के लिए हम इनको पैट ट्रेड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी दिक्कत है। हमने कीड़े मकोड़े जिनको ये खाते थे हमने उन्हीं को नष्ट कर दिया है, तो अब ये खाएंगे क्या, तो भूखे मर रहे हैं बेचारे। तो इसकी वजह से इन पक्षियों की संख्या में लगातार गिरावट जो है वो देखी जा रही है।
ठीक है सर, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स? ठीक है, आपने बता दिया इतनी सारी समस्याएं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स है, बट समाधान बताओ, व्हाट आर द वे फॉरवर्ड्स, आगे का रास्ता क्या होगा दोस्तों? देखो, आगे का रास्ता बहुत सिंपल और सरल है ना। सरल क्या है कि जो हमारी रेड लिस्ट जो मेंटेन की जाती है किसके द्वारा? IUCN के द्वारा। भाई रेड लिस्ट के अंदर क्या होता है, ऐसे स्पीसीज जिनकी जिनको खतरा है, जिनके सर्वाइवल को खतरा है, उनको जो है IUCN के द्वारा एक लिस्ट में डाल दिया जाता है जिसका नाम क्या है, रेड लिस्ट, ताकि उनको उनका कंजर्वेशन किया जा सके, उनका संरक्षण, उनको बचाया जा सके, है ना। तो ये बोला गया है कि यार ये जो आपकी रेड लिस्ट है ना, इसको दोबारा से अपडेट करो, ज़्यादा पक्षियों को, ज़्यादा पशुओं को इसमें लेके आओ रेड लिस्ट में, ताकि उनके लिए जो संरक्षण है वो बढ़ाया जा सके, ठीक है। दूसरी बात क्या है, कोलैबोरेटिव रिसर्च बाय साइंटिस्ट एंड सिटीजन, अर्जेंट एम्फोसिस ऑन हैबिटेट ऑफ द स्पीसीज। भाई साइंटिस्ट के द्वारा और नागरिकों के द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान, नागरिकों द्वारा और वैज्ञानिकों द्वारा सहयोगात्मक अनुसंधान और उच्च चिंता की जाए, ताकि जो प्रजातियां हैं इनके आवास को तत्काल इनके आवास पर जोर दिया जाए, इनके आवास को जो है वो बचाया जा सके, स्पेशली उन एरिया में जहां पर पक्षी जो है वो बहुत ज्यादा रहते हैं। कौन कौन से ऐसे एरिया हैं, जैसे ग्रास लैंड, घास के मैदान जो होते हैं, स्क्रब्स लैंड, वेटलैंड एंड द वेस्टर्न घाट, इन एरिया के अंदर बहुत ज्यादा आपको जो इनका हैबिटेट है उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करना चाहिए, पशुओं के जो पक्षियों का निवास है ना उनको बचाने के लिए इस एरिया में बहुत ज्यादा आपको काम करना चाहिए। काजल ठाकरान, रुद्रा यस, आपस में बात नहीं करना, सजाए मौत है सीधी, चलते हुए पंखे में गर्दन दे दी जाएगी आपकी। रेड ब्लू ग्रीन, भारती शर्मा ये क्या है, इट्स नॉट रेड ब्लू ग्रीन, व्हाट इज रेड ब्लू ग्रीन, इट्स ओनली रेड लिस्ट होती है, ठीक है, रेड लिस्ट होती है वो। अंडे मत खाओ, पक्षी बचाओ, पक्षी बचाओ, अंडे मत खाओ, आकाश राजपूत, ठीक है। अंडे कौन खाता है, कोई कबूतर की आमलेट, कबूतर के अंडे की तो आमलेट नहीं बनाते हो आप, लग रहा है मुझे, है ना, गड़बड़ कर रहे हो। सर नेक्स्ट ईयर में ऑप्शनल सब्जेक्ट चेंज हो सकते हैं क्या, प्रवेज प्रवेश दिशा, अभी इस साल की बात करते हैं, अब हो तो पता नहीं क्या सकता है, हर साल कुछ ना कुछ अलग ही होगा, कंपटीशन बढ़ रहा है, आगे हो सकता है आपको एक ही चांस मिले, यूपीएससी बोले एक ही चांस देंगे भैया, तो हो तो कुछ भी सकता है, उन चीज़ों को छोड़ दो, ये हो क्या सकता है, इन चीज़ों पर ध्यान मत दो, क्या हो रहा है इस पर ध्यान दो, समझ में आई बात, ये कभी कोशिश भी मत करो यार, ये आपका काम नहीं है क्या होगा क्या नहीं सोचने का। अच्छा, अब एक इसके ऊपर ना, बर्ड के ऊपर एक है जिसको हम बोलते हैं इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी, IB एरिया है ना, इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी, बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया, IB एरिया होता है, इसको क्या कहते हैं, देखो भाई बर्ड पक्षियों के संरक्षण के लिए, उनकी आबादी को बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए ना, हमने कुछ कंजर्वेशन उनकी संरक्षण करने के लिए हमने कुछ क्राइटेरिया तैयार किया, हमने कुछ एरिया बनाए हुए हैं, उसके लिए हमने कुछ क्राइटेरिया मानदंड स्थापित किए हुए हैं, वो क्या है, एरिया आइडेंटिफाइड यूजिंग एन इंटरनेशनली एग्रीड सेट ऑफ क्राइटेरिया आर बीइंग ग्लोबली इंपॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द बर्ड पॉपुलेशन, है ना, हिंदी में क्या देखे, पक्षी आबादी के संरक्षण के लिए विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण मानदंड के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत हुए मानदंड का उपयोग करने वाले क्षेत्र के रूप में पहचान की गई है, मतलब हमने क्या है कि एक कोलैबोरेटिव सहमति के साथ सभी जो हैं स्टेक होल्डर को मिला के हमने कुछ क्राइटेरिया सेट किए हैं जिसके द्वारा हम इम्पोर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर बर्ड जो है उनकी संख्या, उनकी विविधता बहुत ज़्यादा है, उन एरिया को हमने आइडेंटिफाई किया है और उन एरिया के द्वारा हम क्या करेंगे, प्रोटेक्शन करेंगे इन बर्ड स्पीसीज का। अब उन एरिया को कैसे डिफाइन किया हमने, A1, A1 क्या है, ग्लोबली थ्रेटन्ड स्पीसीज, भाई A1 वो है जहां पर वैश्विक रूप से खतरे में पड़ी बड़ी प्रजातियां जो हैं वो रहती है, इसमें बेसिकली IUCN रेड लिस्ट द्वारा जो वर्गीकृत प्रजातियां हैं ना उनकी जनसंख्या को इसमें इंक्लूड किया जाता है, जो बहुत गंभीर रूप से लुप्त प्राय होने के कगार पर होती हैं। उसके बाद है ऐसे ही अपने पास A2, फिर अपने पास A3 और फिर अपने पास A4, तो IBA के अंदर में इंपॉर्टेंट बर्ड बायोडाइवर्सिटी एरिया के अंडर में हमने चार एरिया बनाए हुए हैं, कौन कौन से, पहला है A1, दूसरा क्या है दोस्तों A2, तीसरा क्या है आपका A3 और चौथा क्या है A4। ये किया क्यों हमने, ये इसलिए किया दोस्तों ताकि हम जो हैबिटेट है जहां पर ये पक्षियां रहते हैं, जो इनका निवास स्थल है, उनको हम अलग अलग तरीकों से ऑन द बेसिस ऑफ देयर थ्रेट एंडेंजरमेंट, लुप्त प्राय होने की स्थिति के आधार पर हम इनको अलग अलग भागों में क्या कर सके, बांट सके, विभाजित कर सके, इसलिए हम ऐसा करते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हमारे जो हैं, जानते हो आप कौन है ये, है ना, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे पहले, अब ये क्या है, चीफ ऑफ द कंबाइंड डिफेंस स्टाफ, CDS है ये आपका। तो ये जो है जनरल रावत साहब जो है, इन्होंने बोला है कि दक्षिणी भारत के लिए, जो पेनिनसुलर इंडिया है, प्रायद्वीप भारत जो है, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, एक ऐसा एरिया जो तीन साइड भूमि से घिरा हो,
तीन साइड पानी से घिरा हो. दिस फॉर दिस एरिया भाई मराइन एरिया है ये, है ना भाई, समुद्र से लगता है. पाकिस्तान और मराइन से थ्रेट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, तो क्या किया गया, इन्होंने बोला कि एक पेनिनसुलर कमांड हम और बनाने वाले हैं. आपकी जो ईस्टर्न कमांड है और जो वेस्टर्न कमांड है ना, पूर्वी और पश्चिमी कमांड है, उनको मिलाकर एक कमांड बनाने वाले हैं और उनका नाम क्या रखा जाएगा, पेनिनसुलर कमांड. और ये पेनिनसुलर कमांड पर जो कार्य है इस साल के आखिरी तक आपको देखने को मिल जाएगा. ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रीजन को देखते हुए, चाइना की इंडियन ओशन के अंदर प्रेजेंस लगातार बढ़ रही है ना, उसको देखते हुए, अब पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए, और अदर इंटरनेशनल जो हमारे लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट हम कर रहे हैं ना भाई, अलग अलग देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, जैसे अभी अभी हमने रशिया के साथ किया है, कभी किसी के साथ हम करते रहते हैं, तो उन एग्रीमेंट का पूरा अच्छे से फ़ायदा उठा पाए, प्लस सिक्योरिटी कंसर्न को रिमूव कर पाए, प्लस जो चाइनीज़ ग्रोइंग प्रेजेंस है ना इंडियन ओशियन, उसको काउंटर और स्ट्रांगली काउंटर करने के लिए जो हमारे जो बिपिन रावत साहब हैं, जनरल बिपिन रावत साहब, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने बोला है कि पेनिनसुलर कमांड बनाएंगे हम, ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड को मिला के एक पेनिनसुलर प्रायद्वीप कमांड जो है वो बनाने की बात यहां पर की जा रही है. पूरा न्यूज यहां से देख सकते हो. जनरल रावत ने कहा है कि हिंद महासागर केंद्रित प्रायद्वीप कमांड जो संभवत है पूर्वी और पश्चिमी नौसेना कमांड को मिलाकर बनाई गई है, अगले साल के अंत तक आकार देना इसको शुरू कर दिया जाएगा. प्रायद्वीप भारत की सुरक्षा एक कमांडर की जिम्मेदारी होनी चाहिए, एक कमांड इस कमांड की जिम्मेदारी होगी. अच्छा, भारत में ये देसी गाय है ना, इसके ऊपर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया जिसका नाम है सूत्रा पिक. तो ये सूत्रा पिक जो है बेसिकली इज अ इनिशिएटिव्स जो लॉन्च किया गया है फॉर द इंडिजीनस काउ ब्रीड. जो हमारे देश की जो इंडिजीनस काउ ब्रीड है ना, मतलब देसी गाय जो होती है ना, देसी गाय, इनका दूध और घी जो है वो मेडिसिनल पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, है ना, इनसे हम दवाइयाँ बनाते हैं, तो इन्हीं की सारी चीज़ों पर थोड़ा रिसर्च की जाए, है ना, किस प्रकार से इन सारी चीज़ों को आपका अच्छे से किया जाए. कुछ 5 थीम भी रखे हैं और उसके आधार पर एक नया इनिशिएटिव जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी DST ने स्टार्ट किया. बात समझ में आ रही, सूत्रा पिक क्या है बेसिकली, इट इज़ अ इनिशिएटिव. ये एक इनिशिएटिव है, एक पहल है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट की गई है. काम क्या होगा दोस्तों, काम यही होगा कि जो भारतीय देसी गाय की जो ब्रीड है इसकी प्रजातियों को बढ़ाया जाए, इनसे दूध घी जो इनके जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके ऊपर फर्दर रिसर्च की जाए, जो दवाइयाँ बनाते हो ना आप उन पर और शोध किया जाए और उन चीज़ों को और बढ़ावा दिया जाए, है ना. और अच्छी इंडिजीनस ब्रिड, ये जो देसी गायें दूध कम देती हैं, तो इनके साथ कुछ ऐसा किया जाए, मतलब कुछ ऐसी हाइब्रिड टाइप, मतलब इनके अंदर कुछ ऐसे ही मॉडिफिकेशन किया जाए ताकि ये दूध जो है अच्छा दे, देसी रहे, हाइब्रिड ना बन जाए. जर्सी गाय जो अमेरिकन होती है बाहर से, वो वाली नहीं चाहिए हमें, वो दूध तो अच्छा देती है बट उनके दूध में वो गुण नहीं होते जो देसी गाय के गुण में होता है, जो इस गाय के दूध में होते हैं वो गुण उनमें नहीं होते. और इनके जो दूध होते हैं उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, दवाइयों वाले, दवाइयों में भी लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, तो उसी के लिए हमने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसका नाम है सूत्रा पिक, है ना. पूरा फुल फॉर्म बताता हूँ और बाकी बातें इसमें करते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है. कॉन्टेक्स्ट क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड अ प्रोग्राम जिसका नाम क्या है, द गवर्नमेंट हैज़ अनवील्ड अ प्रोग्राम टू रिसर्च ऑन इंडिजिनस काउ और उसका नाम रखा है सूत्रा पिक. भारत सरकार ने दोस्तों जो हमारी स्वदेशी गाय होती है ना उनमें शोध करने के लिए कार्यक्रम का अनावरण किया है जिसका नाम क्या है, सूत्रा पिक. अब बोलोगे सर फुल फॉर्म बताओ, सूत्रा पिक में SUTRAPIC का मतलब है साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑग्यूमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिजिनस काउ. बहुत बड़ा नाम है इसलिए छोटा करके लिख दिया क्या, सूत्रा पिक. सो सूत्रा पिक जो है बेसिकली इज लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी. भाई ये जो सूत्रा पिक जो प्रोग्राम है ना, ये किसके नेतृत्व में, आपका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जो है हमारा, साइंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में स्वदेशी गायों के रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स के माध्यम से वैज्ञानिक उपभोग, ये जो है पूरा प्रोग्राम स्टार्ट किया गया. बात आई समझ में, सूत्रा पिक शॉर्ट फॉर्म है किसकी, साइंटिफिक यूटिलाइजेशन थ्रू रिसर्च ऑगमेंटेशन प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिजीनस काउ, है ना, ये इसका पूरा फुल फॉर्म है दोस्तों. और ये भारत सरकार ने एक इनिशिएटिव जो है ये लॉन्च किया है किसके लिए दोस्तों, जो इंडिजिनस काऊ है, जो भारत की देसी गाय है, उनके ऊपर एक रिसर्च प्रोग्राम है जो ये स्टार्ट किया गया है. आगे बढ़े चलो, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों. इट हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च, कौन कौन सी संस्था है जो इसमें शामिल है. इट हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो इसको स्टार्ट किया है, ध्यान से देखना, स्टार्ट किसने किया है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने सूत्रा पिक को स्टार्ट किया है, बट डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी,
CSIR, Council of Scientific and Industrial Research, Ministry of Ayush, Ayush ki full form hoti hai, A matlab Ayurveda, Yunani, Siddhi, Homopathy, among the other, and the Indian Council of Medical Research are the partner. Iske andar mein, agar aap dekhoge to Jaib Pradyogiki Vibhag, Vaigyanik aur Audyogik Anusandhan Parishad, Ayush Mantralay, Ayurved, Yunani, Siddhi, Homopathy aur anya log ke beech mein Bharatiya Chikitsa Anusandhan Parishad saajedar hai. Ye sare log milke kaam kiya. Ab funding jo hai, researcher from the academic organization as well as capable voluntary organization NGOs active in India's with the proven record of accomplishment in executing science and technological based research प्रोडक्ट दे कैन आल्सो देखो ये इसका मतलब क्या है इस पूरी बड़ी भारी भरकम लाइन का भारत के अंदर में अगर कोई ऐसा अनुसंधान केंद्र है कोई रिसर्च सेंटर है या कोई भी संस्था है जिन्होंने पिछले पहले भी कई ऐसे काम किए हैं कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो आपका कोई भी R&D प्रोजेक्ट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है और उसको अच्छे से एग्जीक्यूट किया है वो इस प्रोग्राम सूत्रा पिक के अंतर्गत फंड पैसे के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोई भी एनजीओ या कोई भी कैपेबल वॉलंटरी संस्था जो है वो कर सकते हैं अच्छा इसके पांच थीम हैं पांच थीम पर सूत्रा पिक जो है वो काम करने वाला है पहला क्या यूनिकनेस ऑफ इंडिजिनस काउ कि भाई जो स्वदेशी गाय है ना उनकी एक विशिष्टता है जिसको हमें बचाना चाहिए है ना स्वदेशी काऊ जो है वो बहुत विशिष्ट है इसलिए तो हम बोलते हैं देसी गाय नहीं तो गाय तो बहुत सारी देसी गाय कितना दूध देती है हार्डली आपका पूरे दिन के अंदर 8 लीटर 8 तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने 6-5 लीटर जो है वो गाय ये दूध देती हैं लेकिन अगर मैं अमेरिकन और जर्सी गाय जो होती है हाइब्रिड्स काऊ जो होती है उनकी बात अगर मैं करता हूं तो इन द वन डे दे कैन लाइक कम से कम 40-40 लीटर तक की गाय मैंने देखी है जो 40 लीटर दूध दे देती हैं तो गाय जो है देसी इसलिए है क्योंकि यार वो उनका दूध जो है वो अच्छी क्वालिटी का है उनमें बहुत ज्यादा गुण होते हैं दूसरा थीम क्या है प्राइम प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडिजिनस काउ फॉर मेडिसिन एंड द हेल्थ चिकित्सा और स्वास्थ्य के लिए स्वदेशी गायों के दूध में जो प्रमुख उत्पाद बनते हैं उनका वो थीम है किसका प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काउ फॉर एग्रीकल्चर एप्लीकेशन ये गोबर करेंगी उनको खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो आप तो कृषि अनुप्रयोगों के लिए स्वदेशी गायों से प्रमुख उत्पाद प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिजिनस काउ फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन खाद और पोषण के लिए देसी गायों से प्रमुख उत्पाद प्राइम प्रोडक्ट फ्रॉम द इंडिजिनस काउ बेस्ड यूटिलिटी आइटम स्वदेशी गायों पर आधारित उपयोगिता वस्तु से प्रधान उत्पाद ये सारे देखो पांच विषय है जिनके बेसिस पर यहां से काम जो है वो चलेगा सूत्रा पिक समझ में आया गायों पर देसी गायों पर रिसर्च करने के लिए दोस्तों ये एक इनिशिएटिव है जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया है ना जिसमें देसी गायों पर रिसर्च की जाएगी और अलग अलग चीजों के संदर्भ में पांच थीम थे जो मैंने बताया जिनके ऊपर रिसर्च यहां पर की जाएगी ठीक है एक बहुत अच्छी रागनी है आज सर्च करना गूगल पे जाके आया बुढ़ापा कड़वा करके हरियाणवी रागनी है वो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनना एक बार है ना ये मैं तब सुनता था जब मुझे रागनी ना पसंद रागनी मतलब हरियाणा के अंदर जो लोकल सॉन्ग्स होते हैं ना उनको रागनी बोलते हैं राग तो उसी से बना एक रागनी तो एक गाना है यार एक रागनी है आया बुढ़ापा कड़वा करके मतलब जब बुढ़ापा आता है एक बैल जो है ना वो जब बुढ़ा हो जाता है तो अपनी किस किस प्रकार से वो किसान उसके साथ ट्रीटमेंट करता है ना वो स्टोरी सुनाता है एंड ट्रस्ट मी यार एक बार सुनना आप यूट्यूब पे सर्च करना शायद आजाद सिंह के द्वारा गाया गया है आपकी मतलब आंखों में आंसू आ जाएंगे मतलब इतना बढ़िया उसने नरेट किया है कि एक जब बैल जब बुढ़ा हो जाता है तो उसके साथ किस प्रकार का हम ट्रीटमेंट करते हैं और वो अपने मालिक से क्या प्रार्थना करता है किस प्रकार से वो उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे मतलब आप मेरे साथ ऐसा मत करो वगैरह वगैरह बहुत सी बातें गूगल टू एंड द स्टेशन प्रोग्राम देखो यार गूगल जो था ना गूगल ने एक भारत के अंदर एक प्रोग्राम चलाने की बात की थी रेलटेल के साथ में भारत में जो रेलवे की एक सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है रेलटेल जो रेलवे के अंदर बेसिकली टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती है रेलटेल नाम था उसका सो गूगल और रेलटेल मिलके एक जो स्टेशंस थे उनके ऊपर नेट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक प्रोग्राम जो था वो इंप्लीमेंट किया था लेकिन अब आ गया क्या जियो और जियो ने बहुत सारा डेटा फ्री में दे दिया है ना एयरटेल आ गया तो डेटा भारत में डेटा रेट बहुत स्लैश हो गए और जो माल है वो बहुत सस्ता हो गया है ना तो अब जो है वो इंटरनेट की जरूरत पड़ती नहीं पहले कह रहे थे कि जो रेलवे स्टेशन है ना वहां पर फ्री वाईफाई जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा
ठीक है, भारत में कुछ ऐसे जो हैं वो स्थापित किए जाएंगे ऐसे वाईफाई हॉटस्पॉट 2020 तक ही करने की बात थी, लेकिन अब भारत में डेटा वैसे ही सस्ता हो गया तो अब यहाँ जाने की बात ही नहीं है, तो इसलिए गूगल ने प्रोग्राम एंड कर दिया। गूगल किसके साथ पार्टनर थी? रेलटेल। तो ये सिर्फ बात बताई थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको ये न्यूज़ बताई जाए। ये टर्की के प्रेसिडेंट जो है ड्रोगन साहब, ये भारत में आए थे, और ये भारत में नहीं आए थे, पाकिस्तान में आए थे, और उन्होंने क्या कर दिया, बवाल कर दिया है। तो इन्होंने कर दिया बबाल। इन्होंने क्या बोला, पाकिस्तान में जाके इन्होंने स्टेटमेंट दी, जो टर्की के जो प्रेसिडेंट है एर्डोगन, है ना, मैं फोटो दिखा सकता था उनका लेकिन मैं दिखाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि जो हमारे देश के बारे में गलत बोले, मैं ऐसे लोगों की पहचान चाहता ही नहीं हूँ कि आप लोग कर पाओ, है ना, घटिया आदमी है ये लोग। इन्होंने क्या बोला यार, एर्डोगन साहब ने बोल दिया कि यार ये जो पाकिस्तान का, पाकिस्तान में विजिट करने आए थे, मुस्लिम कंट्री है और पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं वहाँ पर वो इंटरनेशनल मुस्लिम फोरम में, और नो डाउट इट्स नॉट अबाउट रिलीजन, बट वो पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, और जो पाकिस्तान के द्वारा जो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर है ना उसको सपोर्ट भी कर रहा है वो। बोला उसने कि जो जम्मू कश्मीर में जो सिचुएशन अभी चल रही है ना, ये जो लड़ाई हो रही है इंडिया पाकिस्तान के बीच, जो टेरर है, ये जो आर्टिकल 370 को हमने एब्रोगेट किया है, इससे जितनी भी दिक्कतें हो रही हैं इस सब के लिए जिम्मेदार भारत है। भारत जो यूनिलेटरल काम कर रहा है, मतलब अपनी मर्जी से खुद कुछ कुछ कर रहा है ना, दीज आर द मेन थिंग, दीज आर द मेन इशू जिसकी वजह से सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान के फेवर में स्टेटमेंट दे दिए उन्होंने, अब इंडिया वाले भड़क गए हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की तरफ से जो हमारे जो स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने उनको करारा जवाब दिया है कि बकवास मत कर ज़्यादा, अपने काम से काम रख, निकल ले, नहीं तो फिर जो अपनी इंडिया और टर्की की जो रिलेशन है ना वो बहुत खतरे में आ जाएगी। और अभी FATF का सेशन होने वाला है, ये इंडिया और मालदीव, इसको टर्की को और मालदीव को हम छोड़ेंगे नहीं। मालदीव ने भी ऐसा ही काम किया था, उन्होंने भी इंडिया के खिलाफ में ऐसी गलत स्टेटमेंट दी थी जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए थी, और ऐसा ही काम किसने किया है दोस्तों, अब ऐसा ही काम किया है टर्की ने, है ना, वो स्टेट स्पॉन्सर टेरर को सही ठहरा रहा है। तो बोल दिया हमने कि टर्की और ये मालदीव, इनको तो देख लेंगे हम, ये गड़बड़ मत करो। भारत का जो मामला इंटरनल मैटर है ना, इसमें ज़्यादा बिना मतलब की बकवास मत करो, कोई प्रेशर बनाने की हम पे जरूरत नहीं है, हमें जो करना हम कर लेंगे, हम बहुत समझदार हैं। तो ये सारी बात है जो आई है दोस्तों, तो इससे इंडिया टर्की जो रिलेशनशिप है वो भी थोड़ी सी बिटर हो सकती है ना, कड़वाहट उसमें आ सकती है भारत और टर्की की रिलेशनशिप के अंदर। एक ये न्यूज़ है दोस्तों, FATF टू रिव्यू द पाकिस्तान स्टेटस टुडे। जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है दोस्तों, ये पेरिस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल मतलब इसमें एक से ज्यादा देश सम्मिलित हैं। ये मैंने फोटो दिखाई है क्योंकि द हिंदू में ये न्यूज आई हुई थी। अब इसका महत्व क्या है, FATF मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या होता है, ये दो लिस्ट मेंटेन करता है, एक तो ग्रे लिस्ट और दूसरी होती है इसके पास दैट इज ब्लैक लिस्ट। दोनों का क्या महत्व है बताऊंगा, और भी कुछ ऐसी टेरर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके बारे में भी हम बात करेंगे। एक तो एशिया पैसिफिक ग्रुप है जिसका भी जिक्र किया गया यहां पर, है ना, तो वो सारी बातें मैं आपको यहां पर बताऊंगा। सो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या है दोस्तों, सो FATF जो है वो अभी पाकिस्तान का जो स्टेटस है, पाकिस्तान को उन्होंने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, क्यों, पाकिस्तान स्टेट स्पॉन्सर टेरर को, जो आतंकवाद गतिविधियां हैं ना उनको फंड देता था, पैसा देता था, पाकिस्तान की धरती से जो टेरर है वो बहुत फैल रहा था। तो इसी चक्कर में जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये पेरिस में इसका हेडक्वार्टर है, इन्होंने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में रख दिया था। ग्रे लिस्ट में रखने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने अपनी गतिविधियों, अपनी हरकतों को नहीं रखा और ऐसे ही चलते रहे तो भविष्य में आपको ब्लैकलिस्ट में कर दिया जाएगा, और अगर आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया तो कोई भी इंटरनेशनल ग्रांट आपको नहीं मिलेगी। जो दूसरे देश हैं जो आपके साथ संबंध रखेंगे उनके ऊपर भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं, तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है, और पाकिस्तान अभी अफोर्ड नहीं कर सकता। पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम लगभग टोटल कोलैप्स की स्थिति में, बहुत मंदी चल रही है वहाँ पर, तो इसीलिए ये जो स्टेप है लिया गया था, और ये जो पीछे देख रहे हो है ना, ये 2006 में जो मुंबई के अंदर, 2008 में जो मुंबई के अंदर टेरर अटैक हुआ था, उसके मास्टरमाइंड हैं ये जो पीछे खड़े हैं, है ना, तो इनको हाउस अरेस्ट भी किया गया समय समय पर, और अब इनको क्या कर लिया है, अरेस्ट ही कर लिया है, क्योंकि अभी पेरिस के अंदर ये होने वाला है, अभी उसके अंदर जाके बताएंगे अरे हमने तो उसको अरेस्ट कर लिया, हमने तो ये कर लिया उसको, तो ये सब दिखावा है ना। तो इंडिया कह रहा है कोई बात ना बेटा, तुम भी कर लो, मैं भी जाऊंगा, पेरिस में होने वाला है, फ्रांस अपना दोस्त है, वहीं से राफेल खरीदा है हमने, तो ये तुम्हारे लिए तो हमने खरीदा है, और किसके लिए खरीदा है। तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, तो पाकिस्तान का जो स्टेटस है कि उसको ग्रे लिस्ट में रखना है, ब्लैक लिस्ट में करना है, या ग्रे लिस्ट से उसको निकाल लेना है बाहर, उस पर आज फैसला जो है वो लिया जाएगा,
बात आई समझ में आपको? ठीक है, सो FATF की बैठक होने वाली है, उसके अंदर ये फैसले लिए जाएंगे कि पाकिस्तान को क्या घरेलू लिस्ट से बाहर किया जाए या नहीं किया जाए। अब थोड़ा सा इसके बारे में अपने को पढ़ना पड़ेगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है क्या। देखो वैसे है ना, मैं एन नंबर ऑफ टाइम आपको ये चीज करा चुका हूं, आप प्रीवियस देखोगे स्लाइड्स तो आपको बहुत बार जो है ये दिख जाएगी, मैंने कराया हुआ है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इज एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टैब्लिश्ड इन 1989 ड्यूरिंग द G7 समिट इन द पेरिस। G7 सात देश थे G7 के, G7 मतलब सात ऐसी कंट्री हैं ग्लोबल कंट्री जिनके द्वारा इस संस्था की स्थापना की गई थी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की। कब की गई थी? 1989 के अंदर, 1989 के अंदर, कहां पर? पेरिस के अंदर। इट्स सेक्रेटेरिएट इज लोकेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट हेडक्वार्टर इन द पेरिस। और ये जो सेक्रेटेरिएट है इसका सचिवालय जो है वो पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD के मुख्यालय में स्थित है। किसका? आपका इसका FATF का। मेंबर कंट्री 2019 तक मैं अगर बात करूं जो गया अभी, इट कंसिस्ट ऑफ 37 मेंबर, एक ये 37 मेंबर का एक ग्रुप है, 37 नेशन है इसके अंदर जो यहां पर काम करते हैं मल्टीलेटरल, और जिनमें से भारत भी एक है। तो मल्टीलेटरल हुआ ना, अगर एक होता तो यूनिलेटरल, दो होते तो बाइलेटरल, और एक से दो से ज्यादा देश है इसमें, तो 37 देश है, तो ये क्या हो गया? मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुदेशीय संस्था है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है सर इसके? द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आज टू सेट द स्टैंडर्ड एंड प्रमोट द इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लीगल रेगुलेटरी एंड ऑपरेशनल मीजर फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग टेररिज्म फाइनेंशियल फाइनेंसिंग एंड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टू द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशनल फाइनेंस सिस्टम। ठीक है, बात आई समझ में? नहीं आई, मैं बता देता हूं यार। FATF का उद्देश्य है मानकों को निर्धारित करना है, ऐसे मानक निर्धारित करना है जिसके द्वारा आपका अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता, उसमें धन शोधन, आतंकवाद, वित्त शोषण और अन्य संबंधित खतरों से निपटा जा सके। ये जो आतंकवाद को पैसा दिया जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है, इनसे क्या किया जा सके दोस्तों? इन खतरों को कम किया जा सके, उनके लिए प्रभावी कानून बनाए जा सके, और उन खतरों से निपटने के लिए जितने भी आपके कार्य हैं उनको कार्यान्वयन किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए, इसका यही क्या है दोस्तों बेसिक ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसके अंदर दो लिस्ट मेंटेन की जाती है, मेंटेन द टू लिस्ट, FATF हैज द टू लिस्ट, फर्स्ट दैट इज द ग्रे लिस्ट। ग्रे लिस्ट क्या है? कंट्रीज दैट आर कंसीडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन FATF ग्रे लिस्ट। भाई ऐसे देश जिनमें आतंकियों को फंडिंग दी जाती है, उनको पनाह दी जाती है, उनको अपने देश में रखा जाता है, सुरक्षा दी जाती है, उनको ग्रे लिस्ट, ग्रे सूची के अंदर रखा जाता है। और पाकिस्तान का तो रिकॉर्ड ही अच्छा है, ओसामा बिन लादेन को भी इन्होंने छुपा के रखा था, बार बार मना कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर बैठा था, अमेरिका गया घुसा फोड़ दिया उसको। दाऊद इब्राहिम जो इंडिया में टॉप आपका मोस्ट वांटेड है वो यही है, असद मजूर है पता नहीं क्या नाम है, मजदूर जो है वो जिन्होंने प्लेन हाईजैक किया था वो पाकिस्तान में छुपा बैठा है, जिसको तो UN ने भी बोल रखा है भैया ये आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान में उसने छुपा रखा है। तो ऐसे देश जो यार ये इसको सपोर्ट करते हैं, जो आतंकवादियों को सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा देते हैं, अपने यहाँ रहने देते हैं, उनको ग्रे लिस्ट के अंदर, इस ग्रे सूची के अंदर रखा जाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों, दिस इंक्लूजन सर्व्स एज अ वार्निंग टू द कंट्रीज दैट इट मैटर्स दैट एंटर द ब्लैक लिस्ट, है ना। इनको ये वार्निंग दी जाती है कि भैया ग्रे लिस्ट से अब उठा के तुम्हें सीधा ब्लैक लिस्ट फेंकेंगे, हम काली सूची में रखेंगे। अब काली सूची की कुछ अपनी खास बात है, कंट्रीज नॉन एज द नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और द टेरिटरीज आर पुट इन द ब्लैक लिस्ट। अब तुमने कंट्री को ग्रे लिस्ट में रख रखा है, उसको बोल भी दिया कि काम कर ले नहीं तो इस लिस्ट से तेरा नाम जाएगा सीधा ब्लैक लिस्ट में, लेकिन वो फिर भी नहीं कर रहा, फिर भी वो राजा बना हुआ बैठा है, वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहा टेरर को कम करने के लिए, ऐसे कंट्रियों को हम ब्लैक लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, दीज कंट्रीज सपोर्ट्स टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी, ये आतंकवादी को भी सपोर्ट करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग भी करते हैं ये। ठीक है, तो ये रेगुलरली रिवाइज होती रहती है लिस्ट जो होती है ना, ये लिस्ट रिवाइज होती रहती है इनके प्लेनरी सेशन के अंदर, और एक साल में तीन बार मिलता है FATF की जो प्लेनरी सेशन है वो तीन बार मिलते हैं, ये बैठ के इन बातों पे चर्चा करते हैं। अब एक एशिया पैसिफिक ग्रुप है, अब एशिया का नाम आ गया तो चाइना इसके अंदर, और चाइना का दोस्त है क्या पाकिस्तान, तो वो बहुत सपोर्ट करता है पाकिस्तान, ना पाकिस्तान ऐसा नहीं है, मेरा दोस्त है, मैं जानता हूँ ये टेरर वेरर को कोई वो नहीं करता। तो एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है ये भी मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर बना हुआ है, एक इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 41 देश जो है वो इसके अंदर शामिल हैं। इसका भी काम वही सेम है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग को, आतंकवाद को जो पैसा मिलता है, जो पैसा, जो वित्तीय सहायता मिलती है, उनको जो वेपन प्रोवाइड कराए जाते हैं, उन सब चीजों से लड़ना, उन सब के खिलाफ कानून बनाना और उन गतिविधियों को रोकना, वही इसका उद्देश्य है किसका? एशिया पैसिफिक ग्रुप का।
दूसरा यूएन रेजोल्यूशन 1267, तो एशिया पैसिफिक मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप एक अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 41 सदस्य क्षेत्र अधिकार शामिल है, यह सुनिश्चित करने के पर केंद्रित है कि इसमें इसके सदस्य धन शोधन, आतंकवादी वित्तीय शोषण और हथियारों से संबंधित वित्तीय शोषण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानकों को प्रभावी ढंग से लागू करेंगे, सामूहिक जो है इनका विनाश ये करेंगे। अब दूसरा यूएन रेजोल्यूशन, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267, इसके तहत हम असद मजदूर है ना, मजदूर असद है क्या नाम है उनको, हम इंटरनेशनल उसमें लिस्ट में डालने की बात भी कर रहे हैं बार बार, बट चाइना टांग अड़ा देता है ना भाई ना, मैं अपनी वीटो लगा देता हूँ। इट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली ऑन अक्टूबर 15, 1992, इसे 15 अक्टूबर 1999 को सर्वसम्मति से दोस्तों अपनाया गया था। अगली बात क्या है दोस्तों, इट इज कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ द पीपल एंटिटीज, इसके अंदर एक लिस्ट है, ये यूएन रेजोल्यूशन जो है ना एक लिस्ट है 1268, जिसके अंदर यूएन डिटरमाइंस बीइंग एसोसिएटेड विद द अलकायदा, ऐसे बंदे जो अलकायदा तालिबान से जिनका संबंध है ना उनको इस लिस्ट में रखा जाता है। दूसरा है यूएनएससी रेजोल्यूशन 1373, ये 28 सितंबर 2001 को अडॉप्ट किया गया था, इट डिक्लेयर इंटरनेशनल टेररिज्म अ थ्रेट टू द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड इम्पोज द बाइंडिंग ऑब्लिगेशन ऑन ऑल यूएन मेंबर स्टेट। भाई इसके तहत, इस रेजोल्यूशन के तहत, यूएनएससी संकल्प 1373 के तहत ये अडॉप्ट किया गया था 2001 में 28 सितंबर, जिसमें ये बात मानी गई है कि जो टेररिज्म है, जो आतंकवाद है दोस्तों, वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए खतरा है और उसको टैकल जो है वो हमें करना चाहिए, और उसको टैकल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, एक सहयोग, एक साझा सहयोग जो है हमें करना पड़ेगा। बात आई समझ में? नहीं आई आपको? चलिए दोस्तों देखो, एक बात मैं आपको बता दूं है ना, पहला बात तो यूजीसी नेट के लिए दूसरा चैनल स्टार्ट होने वाला है, और दूसरा बहुत सारे प्लस कोर्सेज अनअकैडमी पर कोर्सेज के साथ मैं आ रहा हूं यार, इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स आ रहा है, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज जो है हम लेके आ रहे हैं, तो उसके लिए आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जो है, पहले प्लस बोलते थे, नाउ इट्स अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन है 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का। 24 महीने पहले फीस कितनी थी? 64,000 रुपये, 2 साल के लिए पहले 64,000 रुपये देने पड़ते थे आपको, लेकिन अब ये फीस घटा के, एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, इस फीस जो है घटा के कितनी कर दी है? 52,000 रुपये। और इसमें भी आप डिस्काउंट ले सकते हो, 52 में भी अगर आप कोड यूज करते हो ना सुमित 10, रेफरल कोड, जब आप पेमेंट करते हो ना वहां पर कोड आता है रेफरल कोड, तो उसमें अगर आपने सुमित 10 लिख दिया तो 10% आपको और डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड दिस कोर्स अराउंड 46,000। 46,000 रुपये में, 46,000 रुपये में 2 साल यूपीएससी की तैयारी, और क्या चाहिए आपको? ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है दोस्तों, क्योंकि पेपर आपका आ रहा है तो आप लोगों को तैयारी करनी है, दैट्स वाई अनअकैडमी की तरफ से डिस्काउंट जो है वो दिया गया। करना कुछ नहीं, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है, वहां पर आपका गोल सेलेक्ट करना है यूपीएससी, वहां जाइए, उसमें एजुकेटर में वाईफाई स्टडी डालिए, फिर अपना सब्सक्रिप्शन, गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां कोर्स दिखेगा, मेरा कोर्स देखो, गेट सब्सक्रिप्शन पर जाओ, आप कोर्स का सब्सक्रिप्शन इनमें से चूज कर सकते हो। अच्छा, इसका मतलब क्या होगा, एक बार अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया 2 साल का, 2 साल इसका मतलब पता है क्या है, 2 साल के लिए आप मेरे नहीं, जितने भी अनअकैडमी पे कोर्स चल रहे हैं, हजारों टीचर वहां पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी कोर्स देख सकते हो, कोई भी कोर्स पढ़ सकते हो, कितनी बार भी देख सकते हो, कितनी भी टेस्ट सीरीज लगा, कुछ भी कर सकते हो, आप पे कोई रोक टोक वहां पर नहीं आएगी जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है। तो दोस्तों ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, थैंक यू वेरी मच। ये भूलना नहीं है आपको, सुमित 10 अनअकैडमी पे जाना है, सुमित 10 अपनाना है, कोई भी कोर्स हो आप सुमित 10 का इस्तेमाल करोगे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, चाहे वो SSC का हो, चाहे UPSC का हो, बैंक हो, स्टेट PCS हो, किसी में भी आप सुमित 10 का इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड यू विल गेट 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ऑन दिस नोट आई एम एंडिंग द टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक द सेशन, यू एंजॉय द सेशन, सो प्लीज गाइज शेयर करना इसको और लाइक भी करना। ऑन दिस नोट टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।